नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। 2019 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। लोकतंत्र के महापर्व में पूरा देश सम्मिलित होता है और राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम जनता भी बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेती है। जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो उनके उम्मीदों के मुताबिक देश को विकास के रास्ते पर उनके नेता आगे बढ़ा सके, ये उम्मीद रहती है। वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता। चुनाव की शुचिता बनाए रखने और निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिससे सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियां बंधी हुई हैं। इस बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मजबूत ढंग से लागू हो, हर नियम का पालन हो और इसे तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके, इसके लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। तो आज विशेष में बात लोकसभा चुनाव के साथ लागू हुए आदर्श चुनाव संहिता की। जानेंगे क्या है आदर्श चुनाव आचार संहिता, क्या है राजनीतिक दल सभाओं और जुलूस के लिए नियम, सरकारी कर्मचारी को लेकर स्थिति और आदर्श चुनाव आचार संहिता का इतिहास और बैकग्राउंड। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार यानी आम चुनाव का समय निर्धारित हो चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया है और ये चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। अप्रैल और मई में 7 चरणों में लोकसभा के 543 सीटों के लिए चुनाव होंगे और इसके नतीजे 23 मई को आ जाएंगे। आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पूरे देश में 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, जबकि मतगणना 23 मई को होगी। आम चुनाव के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को 27 मई तक संपन्न करने का लक्ष्य तय किया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। चुनाव के दौरान आचार संहिता का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए चुनाव आयोग हर संभव कोशिश कर रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से देश के किसी भी कोने से आदर्श आचार संहिता से जुड़े मामलों की शिकायत की जा सकती है और इस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। इस सी विजिल ऐप के जरिए देश का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग से सीधे संपर्क कर सकता है और आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। आयोग के मुताबिक ऐसे मामलों में कार्रवाई 100 मिनट के अंदर ही पूरी कर ली जाएगी। हालांकि इससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस ऐप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में सी विजिल ऐप का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। This is an C-Vigil, which is an Android app, which helps citizens to record any violation of model code of conduct on the mobile and promptly send to election authorities for option. A citizen can give his or her name and number, and the authority on the other end is duty bound, no options, to report back within 100 minutes the action being taken, proposed to be taken, etc. दुनिया के इस सबसे बड़े चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भारी तैयारी की है। आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर प्रचार की छूट तो दे दी है, लेकिन शर्त ये है कि दलों और प्रत्याशियों को प्रचार से पहले आयोग के प्रमाणन समिति से सत्यापन कराना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आयोग से कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। हालांकि जनप्रतिनिधि एक्ट 1950 की धारा 126 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू नहीं होती। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ देयर सोशल मीडिया अकाउंट। ऑल पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया विल आल्सो रिक्वायर प्री सर्टिफिकेशन। All expenditure on campaigning advertisement on social media
is to be included in the election expenditure account. All provisions of model code of conduct shall also apply to the content being posted on social media by candidates and political parties. Social media platforms have committed to take action on any content reported by designated officers of ECI also, which violates various electoral laws. Internet and Mobile Association of India, in consultation with IAS, with ECI, is formulating a set of code of ethics for intermediary online platforms. This is a work in progress. इस बार के आम चुनाव में कई चीजें पहली बार इस्तेमाल होंगी. मसलन मतदाता 1950 पर डायल कर हर तरह की जानकारी ले सकेंगे. इसके अलावा सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं. इस बार ईवीएम की जीपीएस सिस्टम से ट्रैकिंग की जाएगी. इसके साथ ही चुनाव प्रचार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है. कमिश्नर हैज आल्सो डायरेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स एजेंट्स टू डिजिस्ट फ्रॉम यूजिंग एनवायरमेंटली हैजार्डस पब्लिसिटी मटेरियल्स एंड प्रमोट यूसेज ऑफ इको फ्रेंडली सब्सटेंसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन कैंपेन मटेरियल. दिस इज अ न्यू एफर्ट बाय द कमीशन. 2019 का आम चुनाव पहला ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जब 21वीं सदी में जन्मे लोग भी मतदान कर सकेंगे. 2014 में हुए आम चुनाव के दौरान इस सदी में जन्मे लोगों की आयु 18 साल नहीं थी. अब इस चुनाव में वो पहली बार देश की सरकार चुनने के लिए वोट डाल सकेंगे. इस बार आम चुनाव में कुल 90 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1 करोड़ 50 लाख मतदाता 18 से 19 साल के बीच के हैं. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी. 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है. दरअसल जब जब चुनाव होता है तो आदर्श चुनाव आचार संहिता सुर्खियों में आ जाता है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के आधार हैं. इसमें मतदाताओं के बीच अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समान अवसर और बराबरी का स्तर मिला होता है. आदर्श आचार संहिता का मकसद ही है कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्विवाद रूप से संपन्न हो. आदर्श आचार संहिता का मकसद सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबरी का समान स्तर उपलब्ध कराना है. इसका मकसद प्रचार अभियान को निष्पक्ष और स्वस्थ रखना, दलों के बीच झगड़ों और विवादों को टालना है. केंद्र या राज्यों की सत्ताधारी पार्टी की ओर से आम चुनाव में अनुचित लाभ लेने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी इसका मकसद है. आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचरण और व्यवहार का मानक है. ये सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और जनता को दिए गए निर्देश हैं, जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है. हम कह सकते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं. आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं. आदर्श चुनाव संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है. पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में एक समझौता है कि हम ये ठीक करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ताकि जो चुनाव हैं वो सुचारू रूप से शांतिपूर्ण हो सकें. और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंसेंसस से बना है, हमने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नहीं थोपा हुआ. तो आज की तारीख में मॉडल कोड जो है वो बहुत एक इफ़ेक्टिव टूल है इलेक्शन कमीशन के हाथ में कि भाई इलेक्शन जो है वो फ्री, फेयर और पीसफुल हो सके. सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता के तहत साधारण आचरण में किन बातों का ध्यान रखना होता है. कई दल या उम्मीदवार ऐसा काम ना करें जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले या तनाव पैदा हो. राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत होती हैं. राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम और नीतियों तक सीमित हो. आचार संहिता के तहत व्यक्तिगत आलोचना की अनुमति नहीं है. वोट हासिल करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए.
धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों या पूजा के अन्य स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को वोट हासिल करने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग नहीं करना है। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना, मतदाताओं पर दबाव बनाना मना है। मतदान केंद्र से 100 मीटर के भीतर वोट मांगना मना है। मतदान खत्म होने के लिए निर्धारित समय से किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। पार्टी या उनके उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक दूसरे दलों के चुनावी सभाओं या जुलूसों में बाधा पैदा नहीं करें। और इसके बाद कई तरह की चीजें हैं कि अब आप कैंपेन में जाएंगे तो आप धर्म का उपयोग नहीं करेंगे वोटरों को लुभाने के लिए, जाति के आधार पर वोट नहीं मांगेंगे और तमाम तरह की चीजें हैं। जैसे आर्म फोर्सेस के लोग जो जिन्होंने शौर्य हासिल की है या उनके तस्वीरों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, कई तरह के जो लेट डाउन रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है पार्टीज को। आदर्श आचार संहिता के तहत सभाओं और जुलूसों को लेकर भी नियम कायदे हैं। चुनावी सभा करने के लिए पार्टी या उम्मीदवार को स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को सही समय पर सूचना देनी होगी। किसी भी पार्टी प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होता है। दल या उम्मीदवार पहले ही सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है वहां निषेधाज्ञा लागू नहीं है। सभा स्थल में लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले हासिल करनी होती है। चुनावी सभा के आयोजन सभा में बाधा पैदा करने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता लें। किसी भी परिस्थिति में वे बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं करें। अब बात चुनावी जुलूस की। जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जाएगा, किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा, इसके बारे में स्थानीय पुलिस को पहले से ही सूचना देनी होगी। जिन इलाकों में जुलूस को गुजरना है उन इलाकों में कोई निषेधाज्ञा लागू ना हो। जुलूस का इंतजाम ऐसा हो जिससे यातायात प्रभावित ना हो। जुलूस को सड़क की बाईं ओर रखा जाए। अगर दो या अधिक राजनीतिक दलों ने लगभग उसी समय जुलूस निकालने का काम किया है तो आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जुलूसों में कोई टकराव ना हो और यातायात को बाधा नहीं पहुंचे। इस बारे में पुलिस को भी जानकारी देनी होगी। जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके। के लिए नियम तो सबसे यह है कि आप कोई भी जुलूस बिना जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी इजाजत के बिना आप कोई इलेक्शन पीरियड में जुलूस नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए आप पहले उनको बताएंगे कि इस तारीख को इतने से इतने बजे तक हम इस सड़क पर जुलूस निकालेंगे, ताकि कोई दूसरी पार्टी जो है वो भी उस टाइम पर उधर जुलूस तो ना निकालना शुरू कर देंगे, तो लड़ेंगे फिर आपस में। किसी भी राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को दूसरे राजनीतिक दलों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए। भरत सिंह देवाकर के साथ आकाश पोपली, ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर एक मतदाता के वोट का समान महत्व है। जब हम और आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता के जरिए इस मकसद को हासिल करने में मदद मिलती है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण या शिलान्यास के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। आदर्श आचार संहिता के जरिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि चुनाव में केंद्र या राज्यों की सत्ताधारी पार्टी की ओर से अनुचित लाभ लेने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो। आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी जो चुनाव प्रक्रिया से किसी भी स्तर पर जुड़े हों, चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हो। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार की ओर से ऐसा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता जिससे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित होने की आशंका हो।
आदर्श चुनाव संहिता का एक तो मकसद ये है कि सब इलेक्शंस जो हैं वो पीसफुल, हारमोनियस और लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेन रहें। दूसरा ये है, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि जो रूलिंग पार्टीज हैं सेंटर में भी और स्टेट्स में, वो इलेक्शन के पीरियड में अपने जो पावर है या अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मिसयूज़ ना कर सकें, उन पर ये अंकुश। चुनाव आचार संहिता का मतलब है जिस दिन चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद जो सरकार है वो कोई नई नीतियों की घोषणा नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है नीतियों से सरकार वोटरों को लुभाने का प्रयास करती है, तो चुनाव जिस दिन चुनाव के तारीख की घोषणा हो गई उसके बाद सरकार कोई नई नीति और कोई नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर सकती। सत्ताधारी दल चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, चुनाव से जुड़े प्रयोजनों के लिए किसी सरकारी पद का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मंत्रियों को अपने सरकारी दौरों को पार्टी के प्रचार के साथ नहीं जोड़ना है। प्रचार करते हुए सरकारी मशीनरी या कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कर्मचारियों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी इनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। सत्ताधारी दल को सार्वजनिक जगहों जैसे मैदान इत्यादि पर चुनावी सभाएं करने का एकाधिकार नहीं होगा। हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड पर भी सत्ताधारी दल का एकाधिकार नहीं होगा। इन जगहों का इस्तेमाल दूसरे दल और उसके उम्मीदवार भी नहीं करेंगे। सत्ताधारी दल या उनके उम्मीदवारों का विश्राम गृहों, डाक बंगलों या सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा। हालांकि दूसरे दलों को ऐसी जगहों के इस्तेमाल की अनुमति होगी, लेकिन इन जगहों का इस्तेमाल प्रचार कार्यालय या सभा करने के लिए नहीं किया जाएगा। सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए जाएंगे जिनसे सत्ताधारी दल को लाभ होता हो, यानी इस दौरान सरकारी धन से विज्ञापन के जरिए सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनवाई जा सकती हैं। मंत्रियों के विवेकाधीन निधि से अनुदान को मंजूरी नहीं दी जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद से ही कोई मंत्री या प्राधिकारी किसी भी रूप में वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे। परियोजना या स्कीमों के लिए आधारशिलाएं नहीं रखी जाएंगी। मंत्री की ओर से सड़क निर्माण का वायदा नहीं किया जाएगा। मंत्री पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन नहीं दे सकते। सरकारी कंपनियों या विभागों में एडहॉक पर ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी जिससे सत्ताधारी दल के फेवर में मतदाता प्रभावित हो सकते हों। सरकारी कर्मचारी किसी भी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मतदाता या गणना एजेंट नहीं बनेंगे। आचार संहिता उसको पढ़िए, उसमें 8 पार्ट्स हैं, 8 खंड हैं। हर एक खंड में अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन जो उसका वो है पार्ट 7 कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, वो क्या नहीं करेगी। कोई नई जो है नीतियाँ नहीं लगाएगी, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं सेंक्शन करेगी, कोई नई जो है वो कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो बाकायदा टूर वगैरह पे नहीं जाना शुरू कर देंगे। राजनीतिक दलों के आचरण और कार्यकलाप पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है। आदर्श आचार संहिता के इन नियम कायदों से अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि इससे विकास की गतिविधियों की राह में बाधा पैदा होती है, लेकिन खास बात यह है कि आदर्श आचार संहिता के सीमित अवधि में लागू किए जाने पर भी जारी विकास गतिविधियां रोकी नहीं जाती और उन्हें बिना किसी बाधा के आगे जारी रखने की अनुमति दी जाती है। ऐसी नई परियोजनाएं चुनाव पूरे होने तक टाल दी जाती हैं जो शुरू नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब जबकि 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। दरअसल देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए गए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। आइए जानते हैं देश में चुनाव के दौरान कब से शुरू हुई आदर्श आचार संहिता और कैसे हुआ इसका विकास। भारत में आम चुनावों के दौरान लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावों में आचार संहिता लागू करने की बात राजनीतिक दलों की सहमति से अस्तित्व में आई और विकसित हुई। आदर्श आचार संहिता को सबसे पहले केरल विधानसभा के चुनाव में साल 1960 में अपनाया गया। इसमें यह बताया गया था कि चुनाव के दौरान क्या करें और क्या ना करें। इसके तहत चुनावी सभाओं के संचालन, जुलूसों, भाषणों, नारों, पोस्टर और पट्टियों के बारे में बताया गया था।
इसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में जारी किया। चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों से कहा कि वो राजनीतिक दलों को इस आचार संहिता का पालन करने को कहें। 1962 के आम चुनावों में कमोबेश आचार संहिता का पालन किया गया। इसके बाद 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी आचार संहिता का पालन हुआ। नहीं, आचार संहिता का मकसद तो यही है कि इलेक्शन जो है वो सुचारू हो, पीसफुल हो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन हो, जो सरकारें अपना पावर जो है मिसयूज ना करें। तो ये तो 1960 में सबसे पहले इस चीज़ की जो ज़रूरत महसूस की गई, तो 1960 में एक छोटा सा डूज एंड डोंट्स वगैरह, ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, फिर वो बढ़ता गया दायरा और नई नई चीज़ें आती गई। तो अब ये मॉडल कोड तो एक पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट है जिसको सभी पार्टियां मानती हैं। आदर्श आचार संहिता को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में कदम उठाते हुए 1968 में निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की। इस बैठक में चुनाव आयोग ने सभी दलों को न्यूनतम मानक के पालक संबंधी आचार संहिता जारी की। इसके अलावा 1971-72 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आयोग ने एक बार फिर आचार संहिता का वितरण किया, जबकि 1974 में विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग ने राज्यों के राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता जारी की। आयोग ने ये निर्देश भी जारी किए कि सभी दल और उम्मीदवार आचार संहिता के नियमों का पालन करें। 1977 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के बीच आचार संहिता जारी की। आदर्श आचार संहिता के विकास में एक नया मोड़ 1979 में तब आया जब निर्वाचन आयोग ने इसका दायरा बढ़ाते हुए एक नया भाग जोड़ा। इसके तहत सत्तारूढ़ दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हुआ ताकि सत्ताधारी दल अन्य पार्टियों और उम्मीदवारों की तुलना में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अधिक लाभ न उठा पाए। वहीं साल 1991 में आदर्श आचार संहिता को और मजबूती प्रदान की गई। इस बार चुनाव आयोग आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पहले से अधिक सक्रिय हो गया। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि आचार संहिता उसी दिन से लागू मानी जाए जिस दिन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। इस बात को लेकर चुनाव आयोग और तत्कालीन सरकार के बीच मतभेद थे। आदर्श आचार संहिता को देश के शीर्ष अदालत से न्यायिक मान्यता मिली है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल से जुड़े मामले में अप्रैल 2001 में ये आदेश दिया था। अगर कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो इसकी शिकायत सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को की जाती है। इलेक्शन कमीशन इसको जांच करती है कि एक समिति बनाएगी और समिति जिस तरह के रिकमेंडेशन देती है कि किस तरह का उल्लंघन है और क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में पूरा निर्णय चुनाव आयोग लेता है। आचार संहिता के नियमों के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, उम्मीदवार के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। आम चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र संपन्न कराने में आदर्श आचार संहिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भरत सिंह दिवाकर और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। तो ये था आज का विशेष। राज्यसभा TV के YouTube चैनल पर आप हमारा ये अंक देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।